ओपनिंग में आपकी जगह नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि वो आप में कोई अच्छी चीज देख रहे हैं कि आप उनको नीचे भी जिता सकते हैं। अब ये हमारे कंट्री की टीम है और मैं तो समझता हूँ अगर मुझे छठे सातवें भी खिलाएंगे तो मैं खुशी से खेलूंगा। वर्ल्ड कप वाली इनिंग मेरे माइंड में भी है, बाबर और रिजवान का उनने जितनी परफॉर्मेंसेस दी है, नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उनकी जगह लेना मेरे ख्याल में बहुत इतना आसान नहीं है। हमारी T20 की टीम हमेशा बहुत अच्छी रही है और जो मतलब जो बेंच भी होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, तो बिल्कुल। और अभी जो जैसे लड़के आए हैं, बस मेरे ख्याल में जो इन लड़कों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता होता है जब आपकी एक टीम बनती है तो वो ये नहीं बनती कि आज एक प्लेयर ने खेलना शुरू किया कल वो खेल रहा है, क्योंकि इनके पीछे बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, बहुत स्ट्रगल होता है। तो मेरे ख्याल में जो अभी टीम बनी है अगर इन प्लेयरों को ही थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे तो ये वाकई ये बहुत स्ट्रांग टीम है। आप पहले वनडे में आते थे, अब थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हो रहा है कि शायद साइम ऊपर बैटिंग करें, फिर बाबर वनडे में या रिजवान वनडे में आए, आप फोर्थ में आए, तो कंफर्टेबल फील करेंगे? कुर्बानी आपको देनी पड़ रही है, पहले ओपन से नीचे आए फिर और नीचे आ रहे हैं आप। तो मैंने ये पहले ही बोला कि उसने काफी लोगों को मेरे समेत गलत साबित किया कि ये कप्तानी नहीं कर पाएगा। देखिए मेरे ख्याल में तो ये कुर्बानी नहीं है, मेरे ख्याल में ये तो मैनेजमेंट का, कप्तान का, उनका मतलब ये है कि मुझे खिला रहे हैं, क्योंकि अरे ओपनिंग में आपकी जगह नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि वो आप में कोई अच्छी चीज देख रहे हैं कि आप उनको नीचे भी जिता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये नेशनल टीम है, हजारों प्लेयर जो है वो लाइन में लगे होते हैं। तो मैं इसमें तो मैं खुद को लकी समझता हूँ कि अगर आपको, अगर आपकी ओपन में जगह नहीं बन रही, आप खुद देखे जो जिस तरीके से बाबर रिजवान खेल रहे हैं और माशाल्लाह जो साइम जिस तरीके से खेल रहा है, तो मैं खुद को इस टाइम पे मतलब इस जगह पे फिर लकी भी फील करता हूँ कि यार अगर आपकी ओपनिंग में जगह नहीं बन रही तो फिर आपको वन डाउन ट्राई कर रहे हैं, फिर अगर वन डाउन में फिर बाबर या रिजवान जैसा प्लेयर आता है तो फिर आपको टू डाउन आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में और पाकिस्तान में आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ या मेरी कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि अब ये हमारे कंट्री की टीम है और मैं तो समझता हूँ अगर मुझे छठे सातवें भी खिलाएंगे तो मैं खुशी से खेलूंगा। कैसी है आपकी कोऑर्डिनेशन है शाहीन से? वो कप्तान है, कलंदर से आप खेल रहे हैं, 2 बार ट्रॉफी भी जीते हैं, तो कितना कंफर्ट रहता है कि आप ऐसे कप्तान के अंदर खेलेंगे जो आपको शायद बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, क्योंकि आप लीग क्रिकेट में भी उनके साथ ही खेलते हैं? बिल्कुल, देखिए शाहीन जब 2018 में आया लाहौर में तो तब से ही हम लोग साथ हैं और मतलब उसको मैंने ग्रूम होते हुए देखा है, जिस तरीके से वो खुद को लेके चला है, तो और फिर कप्तानी भी जब उसको मिली, तो मैंने ये पहले ही बोला है कि उसने काफी लोगों को मेरे समेत गलत साबित किया कि ये कप्तानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने एक एक मैच जब खेल रहा था तो जो उसमें फर्क आ रहा था तो वो बहुत जबरदस्त था। तो मेरी बस यही दुआ है कि उसने जिस तरीके से लाहौर कलंदर की कप्तानी की है और जिस तरीके से उनको जिताया, इसी को हुई वो लेके चले, क्योंकि मुझे पता है काफी ज्यादा फर्क है एक फ्रेंचाइज की टीम में और पाकिस्तान की टीम में, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज जो है उसमें है और बस उसके लिए यही दुआ है कि वो पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा मैचेस जितवाए। सबको याद है आपने जो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग खेली थी, आपको भी याद है? और उसी मोड के साथ आप ये T20 सीरीज खेली जाएगी, खासकर ऑकलैंड का छोटा ग्राउंड है। बिल्कुल, देखें हम लोग हर मैच में यही माइंड होता है कि अच्छे से अच्छा खेलें, और बिल्कुल वर्ल्ड कप वाली इनिंग मेरे माइंड में भी है और बस यही अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि जितना टीम की जीत में अपना किरदार अदा कर सके, ख्वाह वो एक ओवर मिले हमें खेलने के लिए, 10 ओवर मिले या 15 ओवर मिले, तो उसमें अच्छा ही करें। कुछ लड़के नए आपने जिनका जिक्र किया कि बड़ी वो भी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, तो अभी मोहम्मद हफीज ने ऑस्ट्रेलिया में कहा था कि शायद हमें रिजवान बाबर को कहीं कहीं रस देना पड़े, तो आप भी फर्ज किया अगर किसी नए को चांस देते हैं तो यू आर रेडी कि आपको भी रस किया जाए, तो किसी नए को चांस दिया जाए, कोई मसला नहीं? बिल्कुल देना चाहिए मेरे ख्याल में। देखें सबसे पहली बात यह है कि आपके पास, आप बाबर और रिजवान का उनने जितनी परफॉर्मेंसेस दी है, नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उनका मेरे ख्याल में 2-3 साल में तो उनका जो, अगर बैकअप आप बोले, बैकअप तो तैयार किया जा सकता है लेकिन उनकी जगह लेना मेरे ख्याल में बहुत इतना आसान नहीं है, लेकिन बिल्कुल रेस्ट अगर आप किसी प्लेयर को देते हो तो वो आप तो अपना बैकअप तैयार करते हैं, और वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमारे पास जो 15 से 20 मैचेस है उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए, और जो नए लड़के आए उनको भी देखना चाहिए ताकि वर्ल्ड कप में ये ना हो कि आप डायरेक्ट किसी को खिलाओ, तो बिल्कुल रेस्ट अगर देंगे तो जरूरी है। अगर सीरीज को कैसा देखते हैं, जो काफी टफ टीम है और आगे हमारा वर्ल्ड कप ईयर है, उसमें हमारी प्रिपरेशन होनी है, तो उनको इस सीरीज को कैसा देखते हैं? देखिए न्यूजीलैंड की टीम हमेशा बहुत टफ रहती है, ख्वाह वो दुनिया की किसी भी कंडीशन में खेले, तो ये बहुत टफ सीरीज होगी, और जो हमारी टीम है वो भी बहुत जबरदस्त है, पूरी स्ट्रेंथ से हम लोग भी खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड की भी, तो मुझे यही उम्मीद है कि सारे मैचेस बहुत तगड़े होंगे और
इस टूर्नामेंट, इस 5 मैचों की सीरीज से हमें वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वर्ल्ड कप में। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा रन किए हैं आपने, तो क्या वहीं से कंटिन्यू करेंगे सीरीज? बिल्कुल, मेरी तो कोशिश यही होगी, और मैं लकी समझता हूँ खुद को कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब रिसेंटली जब खेला हूँ तो मैंने ज़्यादा रन किए हैं, और बिल्कुल मेरी कोशिश होगी कि उसी जो मेरा टेम्पो इनके अगेंस्ट बना है मैं उसको कंटिन्यू रख सकूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच।